नमस्कार, प्रणाम सभी सहारा पीड़ितों व जमाकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी के थ्रू सहारा की किसी भी सोसाइटी में फंसा हुआ है, तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हमारे सभी इन्वेस्टर्स का कहना है कि सहारा इंडिया का जो पैसा है वो सहारा कार्यालय के माध्यम से मिलना चाहिए, यानी कि ब्रांच के माध्यम से मिलना चाहिए। ऑफलाइन भुगतान मिलने की मांग कर रहे हैं, न कि ऑनलाइन की। काफ़ी दिन बीत चुके हैं भुगतान को लेकर के, लेकिन कहीं पर भी भुगतान नहीं मिला हुआ है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आप लोगों का भुगतान सहारा कार्यालय से मिलने वाला है, कब से मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी संक्षेप में आप सभी को हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। यदि आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है, किसी भी सोसाइटी में फंसा हुआ है, देश के 12 से 13 करोड़ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा इन्वेस्टर्स जो भी हैं उनमें से यदि आपका भी पैसा है, तो इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करते हैं, वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, 5 मिनट का ओनली वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो रहता है। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो सहारा बंधु, हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले थे सहारा भुगतान को लेकर के। देखिए दोस्तों, यदि आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है, तो आप सभी को हम बता दें, हम लोगों का भुगतान जब भी पॉसिबल होगा तो सहारा कार्यालय के माध्यम से ही होगा। अभी हमने एक वीडियो देखा था, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं, गरीब सहारा पीड़ित हैं, सभी का भुगतान सहारा कार्यालय के माध्यम से होगा। फाइनली पोर्टल के माध्यम से जो भी चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से किसी का भी भुगतान नहीं हो पाएगा, पोर्टल के माध्यम से किसी का भी भुगतान पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आप लोग देख ही रहे होंगे, 1 वर्ष पूरा हुआ जा रहा है पोर्टल को आए हुए। माननीय सहकारिता मंत्री जी पोर्टल को तो ले आए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर लिया कि कितनी जनसंख्या सहारा इंडिया कंपनी से जुड़ी हुई है। आवेदन करवा कर सभी के पैसे भी वेस्ट करवा दिए, लेकिन नतीजा कहीं पर भी शुद्ध नहीं निकला, नतीजा निकला 0। तो हम लोगों का जो भुगतान है वो सहारा कार्यालय के माध्यम से ही होगा, ब्रांच के माध्यम से भुगतान होगा जब भी होगा। अब आप लोग पूछोगे कि भुगतान कब से होगा, तो थोड़ा आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि भुगतान कब से होगा। देखिए दोस्तों, भुगतान की अगर बात की जाए तो भुगतान को लेकर कहीं पर भी निश्चित डेट नहीं है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है और धीरे धीरे बैठक की जा रही है और धीरे धीरे जो है इसमें बदलाव किया जाएगा। ऑफिसेस खुलेंगे, उनमें वक्त लगेगा थोड़ा, 10-15-20 दिन तो लगेंगे ही, धीरे धीरे हर रीजन में ऑफिस खुलेंगे और फिर उसके बाद में ही भुगतान पॉसिबल होगा। तो लगभग इस जून के मंथ में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मान के चलिएगा। और आपकी क्या राय है भुगतान के प्रति, कि आप लोग भुगतान किस प्रकार से लेना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। जय हिंद।